फिक्सेल 13 YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और आपके प्यारी सी एक कमेंट और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो, आई एम बैक। ठीक है, तो मेन चीज क्या है दीपक जी, सुन लीजिए, ये वाला जो मॉडल है ना, मॉड ऑटो है, हम लोग के मॉडल सिलेक्ट करके करना है। कल मैंने बताया था, कल नहीं आया था तो इसका वीडियो भी डाला है, इसके अंदर में भी चेक कर लीजिएगा। ये ऑटो डिटेक है, यहाँ तक जब तक ये मतलब मैं मॉडल नहीं सिलेक्ट करेंगे तब तक यहाँ पे नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो बता रहा है कि ओप्पो का तो ओप्पो के यहाँ पर, फिर बाद आप रियलमी के तो रियलमी के यहाँ पर, और चुनिंदा ही दिए, कुछ कुछ दिए हैं इसके अंदर में, ठीक है, सब नहीं दिए हैं, कुछ कुछ दिए हैं। तो ये चीज हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे जो भी कमांड देते हैं तो इतना चीज पहले ले लेता है, ब्रांड मॉडल और आपका वर्क, जो वर्क देते हैं वो वर्क, ठीक है। जैसे रिसेट एफआरपी का दिया मैंने, तो सबसे पहले क्या करेगा ये ऑटो में ले लेगा, ऑटो ऑटो डिटेक्ट। मैं इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको वीवो सिलेक्ट, ऑटो में रखता हूँ और फिर एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसके अंदर में वीवो, यहाँ पे वीवो, फिर ऑटो डिटेक्ट। यानी कि आपने क्या कमांड दिया है आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने ऑटो में दिया है। कभी कभी डीए नहीं लेता, प्रीलोडर नहीं लेता है, क्यों? क्योंकि हम लोग ऑटो बोलने से इसकी मर्जी का दे रहे हैं, इसीलिए अगर नहीं होता है तो आपको पर्टिकुलर, पर्टिकुलर बोलने से खास तौर पे इसके मॉडल सिलेक्ट करके, जो मॉडल है वो मॉडल सिलेक्ट करने के बाद देंगे। अगर मान लो वीवो के देंगे तो सिर्फ ये वीवो के अंदर में ऑटो डिटेक्ट करेगा, जितने भी सीपीयू है ना, नहीं समझ में आता है कि अरे यार 53S के अंदर में कौन सा है, पीडी वाला 103 वाला है, 2103 वाला है, 2104 वाला है, समझ में नहीं आता। मैं अगर गलत दे दूंगा तो ये दे दिया तो प्रॉब्लम, अगर ये निकला तो ये निकला, वो दे दिया वो निकला, ये दे दिया तो क्या हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑटो दे दो, ऑटो दे दिया, लेकिन वीवो का है ऑटो दे दिया तो सिर्फ वो ऑटो लेगा। अब इसके बाद भी ये क्या है, इसके खुद के है, अगर ये नहीं ले रहा है, ये भी नहीं ले रहा है, समझ नहीं ले रहा है, तो इसने दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे प्रीलोडर का, ठीक। प्रीलोडर जब, ये कब काम करता है, जब आप फोन कनेक्ट करते हैं और मीडियाटेक का पोर्ट नहीं बनाता, डिवाइस मैनेजर में यहाँ पर सिर्फ प्रीलोडर आके चले जाता है, प्रीलोडर दिखाया और भाग गया, प्रीलोडर दिखाया और भाग गया, वो जगह के अंदर में सिर्फ वो पोर्ट के लिए है ये वाला और ये वाला, तीनों तीन उसी के लिए है। यहां पे रख के कस्ट डीए के अंदर में करेंगे तो वो डायरेक्ट सीधा एक पॉपअप ओपन होके आ जाएगा। पॉपअप किसको बोलते हैं, एक नया छोटा सा विंडोज खुलता है ना, उसको वो पॉपअप बोलते हैं। ये देखो आ गया, ये पॉपअप आ गया, इसको पॉपअप बोलते हैं। कुछ भी मैसेज आता है, ठीक है, ये बॉक्स खुल के आ गया। ये क्यों आया बता सकते हैं कोई, क्यों आया ये? प्रीलोडर सेलेक्ट करने के लिए ना, पर फाइल डालने के लिए, डीए डालने बोल प्रीलोड। हाँ, लेकिन क्यों बोल रहा है ये डालने के लिए, नहीं बोलना चाहिए ना, ये नहीं बोलना चाहिए। कस्टम किया है क्या, कस्टम किया है क्या सर? डीए में जो ठीक डीए के लिए, हाँ, ये जो मेन चीज इसके नीचे ये जो वाला है ना, कष्ट दिए, कष्ट दिए बोलने से कस्टम दिए, कस्टम बोलने से खुद डालो, आप खुद डालो चुन के। अगर ये यहां से निकाल देंगे और यहां से भी करेंगे ना आप, ये और यहां से भी ओपन करेंगे ना, तो भी एक ही है, कान ऐसे पकड़ो के उल्टे हाथ से पकड़ो के डबल हाथ करके पकड़ो, पकड़ने कान है। लेकिन ये कस्टम दिए क्या है, यहाँ पर आपको कुछ कुछ मॉडल दिए हैं, मॉडल बोलने से सिर्फ सीपीयू नंबर दिए हैं यहाँ पर। ये वीवो दिया है बोलने से, वीवो क्या है, जनरल है, कोई भी वीवो का, जरूरी नहीं है 6765 6789, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है, ये क्या है, जनरल।
वीवो का कोई भी, ये वाला क्या है खास खास दिया गया है ये सिंबल के लिए। अब ये कैसे पता करेंगे तो मालूम है ना आप लोगों को सबको कि ये कैसे पता चलेगा MT6789 मालूम है? सीपीयू नंबर है जी। हाँ मालूम है, सबको मालूम है ना, नहीं मालूम हो तो बोल देना। चलो सबको मालूम है ये वाली चीज, तो ये चीज के अंदर में समझ में आ गया कि ये वाला फंक्शन क्या काम का है, आपको मालूम हो गया है। कैप्शन ऑन करना पड़ेगा क्या? हिंदी इंग्लिश हिंदी दोनों है अपने पास में, क्योंकि कैप्शन ऑन करेंगे पता चलेगा हमको भी कि कैप्शन ऑन किया है। ठीक है, कैप्शन मेरा कैप्शन लैंग्वेज। तो अब यहाँ पे ये इतनी चीज मालूम हो गई, इस स्विच टू हाई स्पीड ये भी कल मैंने बताया था आप लोगों को। अब आगे चलते हैं डीए, डीए का मेन रोल होता है डीए। अब आपकी जो भी फाइल होती है फ्लैश फाइल डीए, या तो फिर जो टूल होता है वो टूल के अंदर में डीए होता है। अगर मैं मान लो एसपी टूल के बारे में कल मैंने आपको बोल रहा था कि अरे क्यों बंद कर दिया, एसपी टूल के बारे में मैं आपको बता रहा था कि एसपी टूल, चलो कहाँ है एसपी टूल, डाउनलोड एसपी टूल डाउनलोड कर लेते हैं। एसपी टूल कल बोल रहा था कि मैं आपको एसपी टूल के बारे में बताऊंगा। एसपी टूल के ऊपर एक क्वेश्चन है, पूछिए। एसपी टूल से फ्लैश करते समय अगर एरर आ गया तो फोन क्या वो डेड हो जाएगा? अगर आपका प्री लोडर एसपी टूल ओपन कर लेने तो बता देता हूँ, ठीक है? ये भी चालू रखेंगे, एसपी टूल भी चालू कर रखेंगे, डाउनलोड एसपी टूल कॉम्प्रेसेड और एसपी टूल। ओके मैं इसको डेस्कटॉप पर छोड़ देता हूँ, सेंड टू डेस्कटॉप। मैं डेस्कटॉप खाली क्यों रखता हूँ? अरे यार इसका पासवर्ड sptool.com। पासवर्ड sptool.com, कंट्रोल सी पेस्ट। ओके हो गया है। डेस्कटॉप पे क्या है कि जब भी मर्जी हुई तब उड़ा के फेंक दिया, जब मर्जी हुई तब ले लिया, ठीक है? अब ये एसपी टूल मैंने ओपन कर लिया है, एसपी टूल के अंदर में ये देखो डीए पी प्रीलोडर बिन फाइल, ये जो बिन फाइल होती है ना बिन फाइल, ये बिन बिन फाइल डीए इसी की होती है। एक डीए है, दो है, तीन है, चार है। अगर एक लेंगे तो एक के साथ लिंक इस बाकी सबकी बनी रहती है। ये वाली और ये वाली दोनों सेम ही है, इसका कोडिंग के अंदर में कुछ कुछ अलग हो सकता है, एक बार चेक कर लेंगे कोडिंग इसके अंदर में। ओपन विथ ट्राई करके देखते हैं इसका डीए के अंदर में। ये डीए को कोडिंग है, डिकोड करना जो कंपनी है वही कर सकती है, हम लोग नहीं कर सकते। बहुत लंबी फाइल है, 1.30 MB की, यानी कि ये देखो MTK डाउनलोड एजन वर्जन डीए कौन सा है, 3.3000 2019 की है ये डीए फाइल। इसके अंदर में फर्स्ट 17 है, पी है, U9 है। ओके इसको बंद कर दिया, और इसको भी मैं एक बार ओपन विद करके नोटपैड के अंदर में मैं ओपन करके चेक कर लेता हूँ। ये भी टाइम लगा रहा है। कोडिंग वाली फाइल हमेशा हम लोग नोटपैड में या किस नोटपैड में ही ओपन होगी, बाकी सब में तो टूल के जो टूल की बनी है उसी के लिए। यही डीए आपको एसपी टूल में भी काम करेगी। ये देखो सेम है, मैंने बताया ना आपको ये दोनों सेम है, पी है, ये 17 है, यूआई है, ये दोनों सेम है। कैसे पता चली कि दोनों सेम है, कैसे पता चली ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, ठीक है? कोड कोड
कोड चेक कर। कोडिंग नहीं, ये कितनी है? 13 MB, 619 KB, और ये भी है 13 MB, 619 KB। बहुत मुश्किल से सेम नंबर अगर मिलेगा, अगर अलग अलग हुई तो। अगर ये फाइल अलग हुई, ये फाइल अलग हुई, तो बहुत मुश्किल से ये बराबर अमाउंट बोलने से उसकी साइज आएगा, नहीं तो 1 KB का भी फर्क पड़ जाएगा, 617 हो जाएगा या 18 हो जाएगा। ठीक है, ये एक मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। इसको अगर मैं रिनेम करके ये कर दूं तब भी यही काम करेगा। तो ये जो होता है वो टूल हर टूल के अंदर में अलग से देता है। कुछ 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 मॉडल की डीए फाइल आपको फ्लैश फाइल में मिलेगी, कुछ कुछ की आपको अलग से मिलेगी, वरना अलग से नहीं देगा कोई भी फ्लैश फाइल के अंदर में डीए फाइल डाउनलोड। डीए फाइल डाउनलोड मैंने किया तो डीए फाइल की साइज बहुत कम रहती है। ठीक है, यहाँ पे लिंक दिए है, ये देखिए, कोई डीए की फाइल अगर नहीं मिली सीपीयू के हिसाब से, तो आप यहाँ से कोई भी सीपीयू के हिसाब से, वो सीपीयू के हिसाब से फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मान लो कि आपके पास में ये 6-1 इसकी फाइल नहीं मिली है, डीए फाइल लिंक नहीं है आपके पास में, तो ये डीए कितनी है? 930 KB की, ये 2023 के अंदर में ये की हुई है, लेकिन डाउनलोड करने देता है ये। चलो डाउनलोड कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, कितना है? 900 KB के डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद ये डाउनलोड में चले गया, अरे सी कहाँ से, डाउनलोड डाउनलोड के अंदर में डीए फाइल ये है 6985 की डीए। इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद देखता हूँ, हाँ ये फाइल आ गए। चलो इसको भी मैंने, ये कितनी 2 MB की हो गई, क्योंकि एक्सट्रैक्ट करके रखी है ना, तो जिप बना के रखेंगे और एक्सट्रैक्ट करके रखेंगे तो वो फाइल आपको मालूम है क्या होता है। ये डीए फाइल मिली है आपको, डीए फाइल किस तरह से ढूंढते हैं वो बताया है मैंने अभी आपको। आप टूल ओपन करेंगे UMT, और यहाँ पर डीए के ऊपर में जाएंगे, अगर वो नहीं है आपके पास में, कौन सा था, 6 डीए, कौन सा, 6985। ठीक है, यहाँ पर गए और यहाँ पर देखा आपने 6985 नहीं है, टेक्नो 6969, 6969 है ही नहीं, ये है 6985, 6985 नहीं है, 6985 83 तक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे वो फाइल, यहाँ से लेंगे, और कहाँ रखी है मैंने, डेस्कटॉप पर रखी है, डेस्कटॉप पर फोल्डर में रखी है MT6985। ओपन किया, यहाँ पे मिल गई, यह है MT के ऑल इन वन डीए फाइल ओपन। जैसा ये ओपन करेंगे यहाँ ले लेगा। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट डीए कस्टम, यहाँ पे देख लिया इसने, ब्रांड दे दिया है, रीसेट कर दिया है, वेटिंग डिवाइस। जैसा आप कनेक्ट करेंगे तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, जब डीए फाइल की जरूरत कब पड़ती है, अब ये बताइए। चलो अच्छा सवाल आया, डीए फाइल की जरूरत कब पड़ती है? जब इसमें सपोर्ट नहीं रहता है ना, सपोर्ट इसके अंदर जो डीए फाइल नहीं रहता है, तभी इसको नया डीए डालना पड़ता है नेट से डाउनलोड करके। डीए ओके, और कोई बता सकता है डीए फाइल की जरूरत कब पड़ती है? फाइल फोन की सिक्योरिटी के अंदर घुसने के लिए, मतलब कि उसका सिक्योरिटी तोड़ने के लिए, सिक्योरिटी बिल्कुल के अंदर घुसने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि पहली हम लोग की ओथ की होती है, दूसरी प्रीलोडर की सिक्योरिटी होती है, तीसरी फोन कनेक्ट जब हो जाता है, आपका फोन कनेक्ट हो जाता है ना, उसके बाद जरूरत पड़ती है। उसके बाद जरूरत बोलने से
मान लो ये आपका फोन है ना, ये फोन आप कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे बना दिया आपका फोन, सैमसंग का मैंने बना दिया, ठीक है, सैमसंग का फोन अभी फिलहाल मैंने बना सर, दिया। सैमसंग के नाम से एक याद आया मुझे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ चलो एक बोल ही दो, चलो सॉरी मैंने बात काट दिया आपकी, बोल दो। मेरे पास एक फोन है, ये देखिए दिखाई आपके पास फोन दे है? रहा है, हाँ ये सैमसंग का M31 है, हाँ और इसमें वॉल्यूम अप डाउन दोनों बटन सही है, लेकिन इसमें जो है हार्ड डिस्क का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप हार्ड रिसेट करने के लिए आप कैसे उसको कनेक्ट करते हैं? फोन को बैटरी को डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करने के बाद वॉल्यूम अप और पावर बटन दोनों को एक साथ प्रेस कर रहा हूँ। सैमसंग के कोई भी फोन अगर आप डाउनलोड एजेंट या रिकवरी में लेके जाना चाहता है तो उसके लिए कंपलसरी है कि कंप्यूटर के साथ में उसका डेटा केबल कनेक्ट होना चाहिए। वो भी करके देखा फिर भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो आप क्लास के बाद में हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके चलो। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ सुजान सर? हाँ हाँ करिए करिए। चलो ठीक है, मैं बता रहा था आपको कि ये हम लोग का एक मोबाइल है, मोबाइल के मदरबोर्ड के अंदर में एक रैम मतलब हम लोग की MMC लगी है, यहाँ पर मान लो हार्डवेयर है जिसके अंदर में CPU MMC सब कुछ है, ठीक है? तो अब फोन तो कनेक्ट कर लिया आपने, फोन आपने कनेक्ट कर लिया है नो डाउट, लेकिन कनेक्ट करने के बाद आपका फोन यहां से जो कनेक्ट किया ना, कंप्यूटर आ गया, वाइट है इसीलिए नहीं दिखाई देता, ये कंप्यूटर है आपका मान लो, ठीक है, कंप्यूटर से वायर निकला, एक एक केबल निकाला आपने, ओथ आया बीच में, तो ओथ को क्या करवाया, जंप करवा दिया, ठीक है, प्रीलोडर आया, प्रीलोडर ने वो भी जंप करवा दिया, ठीक है, ये जंप करवाने के बाद कनेक्ट हो गया फोन के अंदर में, कनेक्ट होने के बाद वो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पे ताला लगाए, ठीक है, मान लो यहाँ पे CPU तक घुस भी गया, CPU के ये मान लो ये CPU है, इतना CPU के तक घूमता रहेगा, आगे नहीं जाएगा, DA फाइल नहीं मिलेगा इसको, यानी कि आपकी जो सारी यूजर डेटा की फाइल जो भी सब कुछ रखा है ना यहाँ पर, वो उसके अंदर में यहाँ पे ताला मिल गया इसको, अब नहीं जा रहा है, बोलता मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे जाऊं अंदर, क्यों आपने जो बोला वो यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोलता है कि मेरे पास में अंदर क्या रखा है नहीं मालूम, यहाँ ये कौन सा रूम, मान लो कि एक यहाँ पे एक टेबल रखा है, उसके ऊपर में एक चाबी है, वो चाबी लेकर आने के लिए बोला है आपको, लेकिन ये टेबल कहाँ है मुझे मालूम नहीं है, मैं अंदर जाके क्या करूँगा, घूमते रहूँगा गोल 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 गोल, घूम घूम के वापस आ जाऊँगा और बोल दूंगा मुझे चाबी नहीं मिली, यानी कि आपका वर्क खत्म, नहीं समझ में आया उसको, रिटर्न हो गया। तो अंदर घुसने के लिए जो कोडिंग होता है वो कोडिंग, दूसरी एक बात आपको मैं ना बहुत कमाल की बात दिमाग में आई है बताना चाहता हूं आपको, ठीक है, कौन बता सकता है, मैंने ये पहले भी बताया था आज भी बता रहा हूं, अगर किसी को मालूम है याद है तो, ठीक है, इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करता स्टॉप करता हूं अभी। अब मैं यहां से मैं बता रहा हूं, एक बात बताइए कि आपका पास में मोबाइल है, कोई भी मोबाइल मान लो ये मोबाइल है, ये मोबाइल के अंदर में आपने एक फाइल लिखी कोई भी, ठीक है, कोई भी फाइल लिखी, जैसे क्या इतनी सारी फ्लैश फाइल जो लिस्ट होती है ना, वो फ्लैश फाइल तो आप लिख के जाएंगे तो क्या मोबाइल के अंदर में लिखेगा वो ABCDEFGHIY जैसे लिखेगा क्या, बताओ? आपका बोलने का मतलब समझा नहीं मैं, अच्छा जरा
दूसरी है, तरीके हाँ से वो समझे अच्छे से यहाँ। एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है, आपकी ईएमएमसी के अंदर में डेटा सेव होता है, सही बात है गलत है? सही है सारा कुछ सर। फाइल तो आपकी ईएमएमसी में ही सेव होती है ना। रैम तो क्या है, सीपीयू क्या है? सीपीयू आपका जो भी सीपीयू तो मैसेज ग्रेन आएगा, मैं सिग्नल जो भी आएगा उसको कन्वर्ट करके देगा बस। रैम का काम क्या है, थोड़ा देरी के लिए वो सिग्नल मतलब मैं से जो फाइल है जो मतलब मैं उसका हम लोग ऑर्डर देते हैं वो ऑर्डर थोड़ा देरी लेगा, लेके जाके देगा, सीपीयू जो दिया वो वापस लेके चले आएगा, वही है ना? हाँ सर। यहां पर देखो कंट्रोल जेड, ये ब्लैक कलर वाला नहीं चाहिए, व्हाइट कलर ले लो तो अच्छा लगेगा। ठीक है, व्हाइट भी है। मान लो ये आपका मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल के अंदर में आपका लगा है यहाँ पे सीपीयू, सीपीयू लगा है, उसके बाद उसके बाद यहाँ पे लगी है रैम। मान एक एग्जांपल, कहाँ कहाँ लगी कैसे लगी है वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ बता रहा हूँ रैम यहाँ पे लगी है, मान लो आपकी ईएमएमसी। अब एक चीज बताइए, ये सीपीयू है, ये रैम है, ये ईएमएमसी है या यूएफएस है? यहां से कोई भी चीज गई, यहां से अगर आपने ऑर्डर दिया, ठीक है, ऑर्डर दिया तो ऑर्डर सबसे पहले लेगा रैम, रैम लेगा, रैम लेके उसको क्या करेगा, सीपीयू को देगा। सीपीयू को मालूम हुआ कि भाई इसने बोला कि एमपी3 गाना बजाओ, तो सीपीयू क्या करेगा, यहां से देखेगा एमपी3 गाना का, तो वो क्या बोलेगा कि काम करो तुम जाओ और उसको बोलो लिस्ट दो गाना निकालो जो भी कुछ हो जिस प्रकार से, तो वो यहां से आगे फिर से वो रैम के अंदर में वाला जाएगा। रूम छोटी वाला कहाँ है? विशाल बार्थरू माइक पर ध्यान आप। तो यहां से जो भी आप ये मदरबोर्ड है, मान लो ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड क्या करता है कि मान लो आपके कीबोर्ड ओपन किया, कीबोर्ड ओपन करने के बाद लिखा जैसे कि मेरा नाम लिखा इमरान, तो वो क्या करेगा, वो ऑर्डर लेके जाएगा कि भाई आई है पहले, रैम के पास जाएगा, रैम क्या करेगा सीपीयू को बोलेगा, सीपीयू क्या करेगा लिखने वाला कौन है, लिखने वाले के पास में ये है तुम जाओ लिखने वाले के पास, रैम फिर से रैम रैम आएगा, रैम लेके लिखने वाले के पास जाएगा, भाई लिखने वाला कौन है भाई, हाँ यहाँ पर नोटपैड वाला है, कीपैड वाला है, कीपैड वाला है, चलो ठीक है, क्या दबाया है कि भाई के ये ए दबाया है कि आई दबाया है, आई लेके जाओ, आई लेके जाने के बाद ये रैम लेके गया, सीपीयू लेके गया, सीपीयू ने क्या किया कि भाई ये रैम तू लेके जा और यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर मैं दिखा, तू ये डिस्प्ले के ऊपर मैं दिखा, तो डिस्प्ले के ऊपर मैं दिखाने के लिए वो आई दिखाता है। प्रकार से काम करता है आपका कंप्यूटर, किस प्रकार से काम करता है अगर आप ये चीज नहीं समझ पाओगे, ठीक है, तो कोई भी काम आपको करने के लिए तकलीफ होगा, कोई भी काम, ठीक है। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कीबोर्ड, ये डिस्प्ले, रिकॉर्डिंग आपका ऑफ है ना, क्या है? रिकॉर्डिंग कहाँ दिखाई दे रहा है? रिकॉर्डिंग जरूरत नहीं है, हम लोग को रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली है, ऑटोमेटिक कर देता है, अपने पास टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, ये है रिकॉर्डिंग 42 मिनट का, 43 मिनट ठीक है। का। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो ये आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, ये कैमरा है, ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, चलो ठीक है, कीबोर्ड ओके, ये कैमरा, सबके अंदर में लिखने का जरूरत है, जरूरत नहीं है ना? नहीं सर। चलो ठीक है, कैमरा जब जरूरत है नहीं है। अब मैं एक चीज बता देता हूँ आप लोग ने, कि मान लो आपने डिस्प्ले टच ओपन किया, टच आपने का मोबाइल चालू हो गया है आपका और एक टच आपका यहाँ पे काम कर रहा है,
टच के अंदर में कैमरा जो है, कैमरा यहाँ पर है तो उसके ऊपर में आपने टच किया, तो ये क्या होगा, डिस्प्ले सीधा सिग्नल जो दिया तो वो सीधा रैम के पास जाएगा। आप कुछ भी काम करो, कीबोर्ड अगर यहां से कुछ लिखते हो तो वो सीधा रैम पास जाएगा, कैमरा अगर कुछ भी करते हो तो सीधा रैम के पास में जाएगा, नेटवर्क के जो एंटीना होते हैं वो एंटीना अगर आपको अगर ये कर रहा है तो वो सीधा रैम के पास जाएगा। यहाँ पे हर चीज कहाँ जाएगा, रैम के पास में, कहाँ, रैम के पास में। ओके, अब रैम के पास में जाएगा तो रैम क्या करेगा, सीधा सीपीयू को बोलेगा कि भाई मेरे पास में ये ऑर्डर आया है, अब इसने क्या लिखा है अगड़म बगड़म हमको समझ में नहीं आता, तो ये सीपीयू क्या करेगा कि उसके कोडिंग जहां पे रखे हैं कि भाई मैंने यहाँ पर लिख के रखा है 0 और 1, फिर 1 और 0, यानी कि यहाँ से एक बार करंट गया, रुका, फिर गया, फिर गया, कंटिन्यू गया गया है एकदम माइक्रो सेकंड है, फिर रुका, तो ये क्या हो गया, सिग्नल गया है आपका सिग्नल, ठीक है, कोई ए बी सी डी नहीं जाता है, सिग्नल बोलने से वोल्टेज, आपके जो वोल्टेज जाते हैं ना डीसी करंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सब ना ये सिग्नल जाते हैं आपके, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या जा रहा हूं। जब भी आप कीबोर्ड के अंदर में जो बटन दबा रहे हैं ना तो उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ए दबाया, बी दबाया, सी दबाया, उसको सिर्फ इतना समझ में आया है कि करंट आया गया, का आया गया, ये जो कोडिंग होते हैं, एक ये जो कोडिंग होते हैं ना, तो वो कोडिंग क्या होते हैं, आपकी जो फ्लैश फाइल होती है ना वो फ्लैश फाइल होती है, नहीं तो आपको फ्लैश फाइल डालने की क्या जरूरत है, मोबाइल में के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है आप लोगों को हार्ड डिस्क के अंदर में इतनी सारी जगह रोकने के लिए। वो कोडिंग गया, मान लो यहां से कैमरा का बटन दबाया, रैम गया, रैम के पास में गया, सीपीयू को बोला, सीपीयू बोला कि अरे यार ये तो कैमरा ऑन करने का है, ठीक है, कैमरा ऑन करने का है, यहाँ पर गया ईएमसी के पास में, ये कोड आया है 00 वाला, 05 50 10 ऐसा कोड आया है, तो ये क्या बोलेगा, सीपीयू को बोलेगा कैमरा है ये, तो रैम क्या करेगा, सीधा कैमरा के पास, यहाँ रैम लेके जाएगा सीधा कैमरे पास में जाएगा, कैमरे पास जाने के बाद देखेगा कि कैमरा जो चीज़ देख देख रहा है तो वो सीधा देखते देखते सब कोडिंग भेज रहा है कंटिन्यू, और लेके जाने वाला कौन, सबसे पहले रैम के पास में जाएगा, रैम के पास में जाएगा, बोलेगा सीपीयू को कि भाई मुझे ये दिखाई दे रहा है इतना जगह में ग्रीन, इतना जगह में व्हाइट, इतना जगह में ब्लू, इतना जगह में रेड, इतना जगह में ये फलाना ढिकना, तो वो क्या करता है, लेके रैम को देता है, रैम बोलता है कि भाई देखो यहाँ पे इतना इतना आ रहा है, तो वो भी कोडिंग में देता है 1 1 1 2 2 2 0 0 0 ऐसा कोडिंग में देता है, और ये सब इतना स्पीड काम करता है कि हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। ये गया सीधा डिस्प्ले के ऊपर में, डिस्प्ले के ऊपर में गया तो वो क्या करता है कि डिस्प्ले में इतने छोटे 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 बल्ब लगाए हैं, इतने छोटे छोटे इतने सारे छोटे छोटे लगाए हैं कि इसने आई लिखा है, तो यहाँ पे क्या बोला उसने कि आई लिखा है या एम लिखा है, तो वो एम जितने बल्ब को ही वो कलर दे, बाकी कोई लाइट दे, कलर दे, बाकी कोई जितने को कलर ना दे, ठीक है, तो ये क्या आपको क्या दिखाई देता है कि अरे यार एम लिखा है यहाँ पर, नहीं एम नहीं लिखा, डिस्प्ले को मालूम ही नहीं कि एम है, डिस्प्ले को सिर्फ इतना मालूम है कि यहाँ पे इतनी जगह के ऊपर में लाइट जलानी है, इतनी जगह के ऊपर में लाइट ऑफ करनी है, इतनी जगह पर रेड कलर दिखाना है, इतनी जगह पर ब्राउन, इतनी जगह पर ग्रीन, इतनी जगह पर ग्रे, यानी के सारे जो कलर होते हैं ये कलर, ये सिग्नल जाते हैं आपके डिस्प्ले के अंदर में, जो कनेक्टर रहते हैं ना गामा कलर, गामा 5 लाइन कलर की होती है, 5 डिस्प्ले की, एक पैर, दो पैर, तीन पैर, चार पैर, 5 पैर होते हैं, ये 5 पैर जो होते हैं ना वो गामा के होते हैं, एक एक दो, एक जगह लेगा एक जगह देगा, 3 एक जगह लेगा एक तरफ से भेजेगा कि भाई मैंने दिखा दिया अब तू जा, तू मैंने इतना सिग्नल दे दिया, यहाँ से सिग्नल दे दिया,
अब मेरा काम खत्म हो गया, तू वापस निकल जा। अगर आपका घर के अंदर में पंखा चलता है कोई भी, ठीक है, तो वो पंखा कैसे चलता है, इसके अंदर में करंट गया पूरा घूम के माइनस होके निकल गया, आपके बैटरी के अंदर में प्लस और माइनस क्या है, एक जगह से करंट जाता है दूसरी जगह से आता है, एक रिवर्स और एक फॉरवर्ड, वैसे ही इसके अंदर में गामा की जो लाइन है, एक रिवर्स एक फॉरवर्ड, एक लाइन कट हो गई तो हो सकता है कि यहाँ से कलर गड़बड़ कोई ये डिस्प्ले के अंदर में ग्रीन कलर पूरा आ जाएगा, या फिर ये लाइन कट गई तो समझ लो कि भाई ये काला सब कलर चले गया। तो ये जब ग्राफिक बनता है ना, तो ये सारे चीज़ लेकर चलता है, ग्राफिक बनता है, ग्राफिक की लाइनें सब होती है। अब इसके अंदर में भी वोल्टेज देने के लिए, क्या लाइट डिम फुल करना, जब यहाँ पे आता है ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, तो ग्राफिक उतना चल उतना कुछ लाइट देगा, बताना। ठीक है, जितना जरूरत है उतना देगा। तो ये सब देने के बाद डिस्प्ले बोल दिया हाँ हमको मिल गया, चलो भाई इतना हो गया, इतना ग्राउंड कर दिया, इतना वोल्टेज मिला, ग्राउंड कर दिया, आपको क्यों ग्राउंड बनाया है, ग्राउंड इसीलिए बनाया है कि उतना सिग्नल चले गया। फिर दूसरा आया, दूसरा फोटो खींचा, अब फोटो खींचते हैं तो डिस्प्ले के ऊपर में बता रहा है कि भाई मेरे इतने कलर हो गए हैं, इतना डेटा हो गया है, तो उसको मेमोरी कार्ड के अंदर में सेव कर देता है कि भाई ये आपका फोटो, ये लेके जाओ फोटो, क्या बोलता है आपका वो स्टोर कर दिया। तो वो स्टोर जो करता है मेमोरी के अंदर में, वो कोई चीज लिखावट नहीं है, वो सिर्फ होता है आपका डेटा, उसके अलावा शादी में क्या था, उसके अलावा कुछ नहीं होता है इसके पास में, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज है। मेरा बात क्या समझाने का तरीका, मतलब मैं आपको कुछ समझ में आया, मैं जो बता रहा हूं समझ में आता है कि नहीं। हाँ सर आ रहा हाँ, तो ये चीज एक याद रखो। अब दूसरी चीज मैं आपको इसी के अंदर में बता रहा हूं, ठीक है, मान लो आपकी ईएमसी के अंदर में यहां तक आ गए, प्रीलोडर मैंने बताया आपको, रैम भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, डीए भी कनेक्ट कर दिया, यहां से लॉक भी हो गया। अब ये ईएमसी के अंदर में ऐसा बोला गया है कि एक कोडिंग रखा गया है, कोडिंग क्या, कोडिंग के 5 बार 0 0 0, 10 बार 1 1 1, 50 बार फिर से 0 0 0, 3 बार 1 1 1, यानी कि ये जो लिखावट होती है वो लिखावट को बोलते हैं DA, डाउनलोड एजेंट, क्या के लिए, सिर्फ अंदर ये पास लेकर आएगा, गेट पास, तो ही मैं अंदर घुसने दूंगा तेरे को, नहीं तो घुसने नहीं दूंगा। किधर भी जा। सिग्नल, ये कोडिंग, ये जो कोडिंग अगर मेरे पास में आया, क्योंकि मेरे अंदर में फिट किया गया है कि जो IM लिखा वाला कार्ड, ग्रीन कलर में लिखा वाला जो है सिंबल, वो लेकर आएगा, उसी को मैं अंदर जाने दूंगा, दूसरे को नहीं जाने दूंगा। अब ये मान लो ये CPU, ये MMC, ये CPU के अंदर में ये चीज रखा गया है, दूसरे का मोबाइल के अंदर में दूसरा रखा गया है कोड, तो अब दूसरे का कोड इसमें देंगे DA की फाइल, तो वो काम करेगा, बताओ आप। नहीं करेगा, कैसे करेगा? नहीं करेगा काम, क्यों, क्योंकि इसके लिए वो कंपनी ने जो मिड MTK का, मान लो हम लोग MTK की बात चल रही है ना, MTK जो CPU बनाए हैं ना, उसने MMC के साथ तालमेल बना के रखा। अब आपको मालूम है ना, फ्लैशिंग करते हैं, अरे ये UEFI चलाते हैं, तो MMC चेंज फाइल जो होती है, याद है ना, MMC चेंज फाइल, जब तक वो MMC चेंज फाइल हाँ उसकी नहीं मिलेगी तब तक वो काम नहीं करेगा। तो वो MMC चेंज फाइल क्या होती है, आपके CPU और RAM दोनों के अंदर में तालमेल, दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग, नहीं तो सिक्योरिटी मैन ताला ही नहीं लगेगा, तो वो पैसा रखेगा घर में, जब ताला ही नहीं है तो घर में पैसा क्यों रखेगा भाई, पैसा रखूंगा तो मेरा तो सब पैसा कोई ना कोई लूट के चले जाएगा। तो ये सिक्योरिटी कौन से सेट में, कोई कोई सेट के अंदर में ही होती है सिक्योरिटी, पुराने सेट में नहीं आती थी, क्योंकि पुराने सेट में तो CPU और MMC एक ही साथ भी होती थी,
रैम भी एक ही साथ, पुराने में डब्बा फोन के अंदर में देख लो सब कुछ एक ही, पावर आईसी भी एक ही, सब कुछ एक ही। तो जैसे जैसे मोबाइल इम्प्रूव होते गए वैसे वैसे ये सब भी इम्प्रूव होता गया। इस प्रकार से सिक्योरिटी बना ही है इसके सब के अंदर में। समझ में आया कुछ? तो आपके मोबाइल के अंदर में इतनी फाइल लोड होती है ना, तो पहले जब कंप्यूटर बने थे, कैलकुलेटर बने थे, तो उसको जो कोडिंग था 0 और 1, इस ये जो कोडिंग को बोलते थे बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग, ये बाइनरी कोडिंग बोलते थे इसको, जिसके अंदर में सिर्फ 2 वर्ड आते थे, 0 और 1। ये जो मोबाइल के अंदर में प्रोग्राम बनते थे ना, तो वो कंप्यूटर के अंदर में प्रोग्राम बनते थे ना, वो 0 1 में चलते थे, 0 1 0 1, जिसकी वजह से बहुत स्लो चलते थे। फिर बात क्या हुआ, डेसीमल आया। डेसीमल डेसीमल आया, डेसीमल ने क्या किया, 0 से लेके 9 तक का कोडिंग किया। यानी कि अब यहाँ से जो कोडिंग जाएगा ना, तो 0 भी हो सकता है, 1, चलो वो 0 1 निकल गया तो 0 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। उसके बाद आया हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल जो आया उसके अंदर में क्या हुआ, ABCD भी आ गया। यानी कि 0 भी होएगा, 1 भी होएगा, 2 भी होएगा, ए भी होएगा, बी भी होएगा, उसके बाद भी और भी कुछ आया, और भी बहुत कुछ आया। बाइनरी कोडिंग ये बाइनरी कोडिंग था, दिखाई दिया ये? तो ये कोडिंग जब जमा होता था तब जाके एक फाइल बनती थी। अब हेलो माय नेम इज, इसका कोडिंग ये है 0101010001111100, ये वाला कोडिंग है, और ये 8-8 बिट में लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बाइट। 8 बाइट यानी कि 1 KB, जो बोलते हैं ना KB, 8 KB, 8 KB का है, कोई 16 KB का है, जो स्पीड होती है ना KB की, 16 KB की। तो ये दोनों कोड साथ मिलके काम करेंगे, ये सिंगल काम करते थे, तो इतने इतने टुकड़े जाते थे। फिर बाद उससे ज्यादा जब टुकड़े जाने जाने लगे, 64 बिट, तो क्या है, 64 बिट में चलने लगे, 32 बिट। अगर ये 32 बिट के अंदर में मैं लिखूं एक एक टुकड़ा 32 बिट का, तो इसको समझ में ही नहीं आएगा यार कि यार 64 बिट वाली 32 में कैसे चलेगी, 32 वाली 64 में कैसे चलेगी। तो ये जो बीट होता है ना, ये इसी के ऊपर में सब डिपेंड किया हुआ है, हेक्साडेसिमल कोड। ये हेक्साडेसिमल कोड जिसके अंदर में क्या आ गया, नंबर भी आ गया, सीसी भी आ गया, डेसिमल कोडिंग। डेसिमल कोडिंग के अंदर में देखो, एच, ये एच, एम, ये एम एस, यानी के इसके अंदर में डेसिमल कोडिंग में 0 से लेके 9 तक आएगा। तो ये सब क्या होता है, भाषा होती है। ये भाषा क्या के लिए होती है कि आपने यहाँ पे मान लो माउस आप चलाते हैं, एक क्लिक किया यहाँ पर डॉट, तो ये डॉट के पीछे में इतना सारा लगा दिया, इतना सारा बोलने से ये लेकर गया मान लो माउस, माउस ने मदरबोर्ड में लगा है, तो मदरबोर्ड लेके गया रैम के पास, रैम बोल क्योंकि उसको जाना है सीपीयू के पास, रैम लेके गया कि भाई लेके जाओ सीपीयू। सीपीयू बोला कि भाई हाँ तू लेकर आया है मान लो कोडिंग, अपने को समझ में नहीं आता, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, भाई ये कोड है, इसका कोडिंग का क्या मतलब होएगा। तो उसने बोला कि ये कोडिंग का ये मतलब हुआ, तो ये फिर से सीपीयू बोला, सीपीयू ने बोला कि ले मैं तेरी भाषा में देता हूँ रैम, तू लेके जा उसको, क्योंकि डिस्प्ले की भाषा अलग होती है दिखाने के लिए, माउस की भाषा अलग होती है, कीबोर्ड की भाषा अलग होती है, क्योंकि डिस्प्ले पर उसको दिखाना है ना 0101, यहाँ पे कोडिंग लाइट लाइट वाला, तो उसके लिए अलग कोडिंग चाहिए। तो ये कोडिंग कहाँ से मिलेगा, आपके जो सॉफ्टवेयर बने हैं इसके अंदर में सब मिलेगा। अगर उसके अंदर में सॉफ्टवेयर नहीं मिला, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा डिस्प्ले के ऊपर में कि भाई एरर, यहाँ पे जब चालू करने के लिए आपको फाइल चाहिए, रैम के पास में गई, सीपीयू के पास में गया, सीपीयू ने गया एमएमसी के पास में, अगर वो फाइल नहीं मिली
तो क्या बोलेगा कि भाई आपका सिस्टम करप्ट है, चालू करने की फाइल को डिस्प्ले के ऊपर में आपको ये मैसेज शो कर देगा कि भाई सिस्टम करप्टेड। अगर सिस्टम करप्टेड डिस्प्ले भी काम नहीं कर रहा है, यहाँ से नहीं जा रहा है एमएमसी के ऊपर में, तो कुछ नहीं आएगा, डिस्प्ले बोलेगा ही नहीं कि मेरे पास में क्या आया है। तो क्या हो गया, फोन डेड। आप बोलेंगे फोन डेड क्यों डेड है, डिस्प्ले सही है, फ्लैश फाइल के अंदर में गड़बड़ मिला नहीं मिला, ओके चलो ठीक है। सीपीयू बोल रहा है कि नहीं भाई यार मैं यहाँ पे नहीं भेज रहा हूँ, तो भी बोलेगा। सीपीयू बोल रहा है कि मैं नहीं भेज रहा हूँ, तो भी सिस्टम मतलब मैं डेड। अब क्यों नहीं भेज रहा है, अब रैम बोलता है कि भाई मेरे को पावर सप्लाई नहीं मिला। पावर सप्लाई कौन देता है, पावर आईसी, ठीक है मान लो नहीं मिला, तो कहाँ से कहाँ गया आपका काम। ये पावर आईसी जब आपका सिग्नल दे रहा है, मान लो कोई बटन दबाया है, तो पावर ही तो लेके जाता है ना सब कुछ आपके कम मोबाइल के अंदर में, आपके कंप्यूटर में सब कुछ कौन करता है, डीसी वोल्टेज है ना के गलत बताइए, डीसी वोल्टेज करता है ना सब कुछ के नहीं। हाँ सर, जब आपका डीसी वोल्टेज जब काम करता है, डीसी वोल्टेज ही नहीं मिला सप्लाई के अंदर में, तो आप क्या बोलेंगे, अरे यार बैटरी चेक करो पहले। डेड मोबाइल का अगर ये फंड आपको मालूम है तो और जल्दी समझ में आएगा कि अरे यार यहां से यहां, यहां से यहां बूट सीक्वेंस सीख के क्या करेगा आप। पहले तो आप ये जानो ना कि बूट सीक्वेंस भी काम किस तरह से करता है, कहां से क्या करता है। सीपीयू सीपीयू सीपीयू, हाँ सीपीयू सपोर्ट नहीं करता, सीपीयू क्या काम करता है ना। अभी समझ में आ रहा है ना आपको, रैम क्या काम करता है, सीपीयू क्या काम करता है, एमएमसी क्या काम करता है, स्टोरेज क्या काम करता है, सब एक के साथ एक के साथ एक के साथ सब के सब जुड़े हैं। सब के सब जुड़े बोलने से आपका मदरबोर्ड है कंट्रोल ए ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल ए डिलीट आएगा डिलीट, हाँ चलो ठीक है। आपका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर में एग्जाम्पल के तौर पे मान लो पावर आईसी, कितनी आईसियां होती हैं, बाप रे बाप, साउंड आईसी, ग्राफिक आईसी, नेटवर्क आईसी, 4G आईसी, फिर और कौन सी आईसी है, सपोर्ट पावर सप्लाई ओवीपी आईसी, और ऐसी कितनी आईसियां हैं। तो मॉडल के हिसाब से है आईसी, चार पावर आईसी, दो तीन चार पांच पावर आईसी, ठीक है। तो ये सबको पावर कौन पहुंचाता है, सबसे पहले तो बैटरी। अब जो जो पहुंचाता है, अगर मान लो पावर आईसी के ऊपर में पहुंचाया, ठीक है, तो पावर पहले तो ओवीपी आईसी आएगी, प्रोटेक्शन ये कर लेगा, वो ओवीपी प्रोटेक्शन कर लिया, ठीक है, उसने दे दिया पीएम को है ना, या तो डीसी टू डीसी को। अब वही सब कुछ तो मतलब मैं सेट करता है ना भाई, तू इसको भी दे भाई, क्योंकि इसको भी दे भाई, इसको भी दे भाई, इसको भी दे भाई, इसको भी दे भाई, एक के बाद एक के बाद एक जगाता है फटाफट, एक एक सेकंड के अंदर में सब काम चलता है, एक माइक्रो सेकंड के अंदर में सब काम चलता है, सारी जगह के ऊपर में पावर का ही फंडा है। अब ये बोलता है कि मैं 1.5 पे चलूंगा, 1.1 पे चलूंगा, 1.2 पे चलूंगा, 1.3 पे चलूंगा, वो आपके ये पहले मैं यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, फिर वहां जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, फिर वहां जाऊंगा, यानी कि सब उठाएगा। फिर बाद जब आप कीबोर्ड से अगर कुछ देते हैं तो वही पावर काम करता है कि कीबोर्ड के यहाँ से एक 1.1 वोल्टेज जाता है। देखो पहले क्या चेक करते हैं, यहाँ पे ग्राफिक नहीं आता, लाइट नहीं आता, तो यहाँ डिस्प्ले के ऊपर में लाइट नहीं आता है, तो भाई देखो वोल्टेज आता है, कंटिन्यूटी मिलता है वहां पे वोल्टेज है, वहां पे जीआर, वही चेक करते हैं ना कि अलग कोई अलग चीज होती है। आज टॉपिक दूसरा था और दूसरे टॉपिक में बात कर लिया, सॉरी आप लोगों को। तो मेरे कहने का मतलब एक ही है कि ये बूट सीक्वेंस भी जरूरी है आपके लिए, कि कहाँ से कहाँ जाता है, कैसे जाता है,
किसी किसी में ऐसा होता है कि मान लो यहाँ पे अगर जब तक तीनों नहीं आएंगे तब तक ये सीपीयू काम नहीं करेगा। जाओ क्यों, कंपनी ने जब बनाया तो उसने ऐसा बनाया कि भाई यहां से यहां तक जब तीनों नहीं मिलेंगे नहीं काम करेगा, 10 मिनट बचे दूसरी लिंक के लिए, मैसेज आया है। किसी चीज के अंदर मैं ऐसा बताया कि भाई देखो मैं जब यहां से मैं बताऊंगा तभी जाके तू भी आना और तू भी आना, जब तुम नहीं आया तो मैं यहां नहीं जाऊंगा। अगर ये बीच में आया तो बोलता मैं भाग जाऊंगा यहां से, हट मैं नहीं रहूंगा। तो ये सब चीज क्या होता है, कोडिंग होता है, कोडिंग और आपका पावर कनेक्टिविटी सब एक दूसरे के साथ अंदर, आप जब उसको उखाड़ोगे ना एक, तो सब उसके अंदर एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। वैसे ही सीपीयू जो होता है, सीपीयू के अंदर में भी, अब ये जो ईएमसी होता है ना, ईएमसी के अंदर में क्या होता है, लिखने वाला एक आदमी बैठा है कि भाई मैं लिखूंगा इतना लिखूंगा उतना लिखूंगा, नहीं, उसके अंदर में हजारों कैपेसिटर ट्रांजिस्टर डायोड सब कुछ फिक्स किया है। क्यों फिक्स किया है, अगर मान लो कि इतना एफआरपी का है, ओके एफआरपी का इतना है, तो उसके लिए क्या किया है कि भाई यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी, यहाँ पे एल, वहाँ पे यो, यहाँ पे ये, ठीक है इतना है, ठीक है तब भी इतना मिलेगा तभी मैं मोबाइल को चालू करूँगा और पाँव सब कुछ दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा। मान लो ये एफआरपी का जगह, अब एफआरपी का जो ये एरिया है वो एरिया को साफ कर देगा कोई टूल उठा के, यानी कि सब निकाल देगा। एक मिनट, हाँ एक मिनट, कहाँ गए, तो यहां पर मैं बता रहा था यही चीज कि ये जो एरिया है, ये एरिया एफआरपी का है, ईएमसी के अंदर में है, आप कहाँ से कहाँ कनेक्ट करके आ रहे हैं उसको, कहाँ से कहाँ जैसे जैसे कनेक्ट करके यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे इतना एड्रेस ही नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मान लो गलत, यहाँ से जो जाना चाहिए रास्ता आपको दिया गया है, रास्ता यहाँ से गेट है ये, और आप खिड़की से घुसे, मान लो खिड़की से यानी कि गलत डीए डाल दिए, तो यहाँ से जाने के बाद सीधा सायरन बज गया, अलार्म बज गया, पूरा सिस्टम ब्लॉक। जाओ एक सिक्योरिटी रखी है ऐसी कि अलार्म बज गया सिस्टम खत्म। अब ये खत्म हो गया तो अब यहाँ पे ये कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ सीपीयू के अंदर में जाने के लिए सीपीयू से सिग्नल जाता, बोलता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, बोलता आपकी सिक्योरिटी गलत हो गई, डीए मान लो कि गलत हो गई, तो आपका ये गलत हो गया, बंद हो गया, तो आप क्या समझते हो साला फोन डेड हो गया। अरे इसको एक काम करो फ्लैश करो हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, यहाँ से जब कनेक्ट होकर गया है तो वो बोल रहा है कि भाई ये एरिया दिखा रहा है, एरिया दिखा रहा है बोलने से कि पॉड बन रहा है, हाँ भाई दरवाजा है, कहाँ पे दरवाजा है मुझे लेके चल, तो यहाँ से ये दरवाजे के ऊपर में आया, यहाँ पर ये दरवाजे के ऊपर में आया, ठीक है उसको सही डीए मिला, तो बोलता भाई मैं सही आदमी हूँ, भाई मेरे लिए दरवाजा खोल, भाई चल ठीक है तेरे लिए दरवाजा खोलता हूँ मैं, तेरे लिए दरवाजा खोला, दरवाजा खोला तो इसने क्या किया, सारे अलार्म वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, नए से फाइल सारी फाइल चढ़ा दी, और चढ़ाने के बाद ये जो एफआरपी वाला एक एरिया था वो भी क्लीन कर दिया, लॉक वाला जो एरिया था वो भी क्लीन कर दिया, और नए वर्जन की होगी तो मैं नए वर्जन की यहाँ पे डाल दूंगा, पुराने वर्जन की होगी तो भाई पुराना लॉक अगर यहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है वो बंद करने के लिए पुराने की जरूरत पड़ती है वो भी कर दिया, हाँ भाई चलो ठीक है। अब सब इसने नया डाल दिया, अब फोन को फिर से सब प्रोग्रामिंग हो गया, अब फोन को रिस्टार्ट करो और देखो हाँ भाई मेरा फोन चालू हो गया, है ना, यही होता है ना कि अलग होता है।